And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my gala and pinned me on the wall. कहते हैं ना, नाम बनाने में काफी वक्त लगता है लेकिन बिगड़ने में पल भर भी नहीं. ऐसा ही कुछ हुआ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ मशहूर एक्टर्स के साथ. अपने काम से इन एक्टर्स ने अपने फैंस का काफी मनोरंजन किया लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मची उथल पुथल के चलते इन्होंने फैंस को निराश भी किया है. इस स्टोरी में चलिए बताते हैं आपको उन एक्टर्स के बारे में जिनके पार्टनर्स ने इन पर मारपीट का आरोप लगाया. कुछ एक्टर्स को तो इस वजह से जेल की हवा भी खानी पड़ी. करण मेहरा निशा रावल. ये रिश्ता क्या कहलाता है. फेम करण मेहरा अपनी पत्नी निशा रावल के साथ मारपीट के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं. गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही उन्हें बेल भी मिल गई थी. बेल मिलने के बाद करण ने बताया कि उन्होंने निशा को नहीं मारा बल्कि निशा ने ही उन्हें और उनके परिवार को गालियाँ दी और खुद का सिर दीवार पर मारा. वहीं निशा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि करण ने उनके साथ मारपीट की. निशा ने करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी आरोप लगाया. शालिन बनोत, दलजीत कौर. एक ऐसा समय था जब ये दोनों फैंस को कपल गोल्स दिया करते थे. साल 2015 में शालिन से अलग होने के बाद दलजीत ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए थे. अब ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उनका बेटा जेडन अपनी मम्मी दलजीत के साथ रहता है. अभिनव कोहली, श्वेता तिवारी. श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के रिश्ते की हकीकत तो सभी के सामने आ चुकी है. श्वेता कई दफा आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव ने उनके साथ मारपीट की है. अभी भी अभिनव और श्वेता की लड़ाई जारी है. अभिनव आए दिन श्वेता को लेकर कोई न कोई बयान देते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने श्वेता पर बेटे रियांश को होटल में छोड़ केप टाउन चले जाने का आरोप लगाया था. ओमपुरी, नंदिता पुरी. ओमपुरी ने दो शादियां की थी और दोनों ही शादी नहीं चली. दूसरी पत्नी नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि ओमपुरी ने उन पर हाथ उठाया था और मामला पुलिस तक पहुंचा था. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया. बीते साल नवाजुद्दीन और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी. आलिया ने नवाजुद्दीन को तलाक का नोटिस दिया था और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के साथ साथ मारपीट भी करते थे. क्या कहना है आपका इस स्टोरी को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब.